स्पेशल फॉर यू में हमारा आज का स्टे होने जा रहा है रॉयल स्विस में, जो कि लोकेटेड है ऑपोजिट कार्गो कॉम्प्लेक्स अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैंट लाहौर में। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अमीर हमजा विद येट अनदर अमेजिंग प्रोग्राम ऑफ होटल फॉर यू। आज जिस होटल में हम स्टे करेंगे, इसकी सबसे ज़्यादा यूनिक फीचर ये है कि अगर आप लाहौर बाय एयर ट्रैवल करें तो एयरपोर्ट से निकलते ही यू गाइस कैन चेक इन दिस होटल। एंड सिंस रॉयल स्विस इज़ अ लग्जरी होटल एंड बीइंग सिचुएटेड नॉट फार फ्रॉम द सिटी सेंटर, ये होटल आपकी परफेक्ट पिक बन सकता है। लेकिन बेस्ट पिक बनने के लिए लोकेशन के अलावा हमें और भी बहुत कुछ देखना पड़ता है, तो वो सब आज हम जानेंगे अपने स्टे में और हम देखेंगे कि इफ दिस इज द राइट होटल फॉर यू और नॉट। सो लेट्स चेक इन। रॉयल स्विस इज वन ऑफ द होटल्स ऑफ एन इंटरनेशनल चेन जो कि एस्टैब्लिश हुई थी ऑलमोस्ट 40 इयर्स अगो विद द नेम ऑफ स्विस इंटरनेशनल। इट हैज अ रूम कैपेसिटी ऑफ 300 रूम्स एंड कार पार्किंग कैपेसिटी इज अप टू 75 कार्स। एयरपोर्ट से आने जाने वाले विजिटर्स को रॉयल स्विस फ्री शटल सर्विस भी प्रोवाइड करता है। Good afternoon. Thank you. Amazing. Guys, Royal Swiss ki lobby is something different. It has a huge lobby aur agar aap mere sath aaye main aapko dikhata hu ki iski jo lobby hai wo triple heighted lobby hai। That means ke aapko khade ho ke jab aap lobby mein khade hain to aapko jo height hai wo 3 floors ke baad jaake ceiling pe touch karegi इस लॉबी की। और द शैंडलियर्स आर अमेजिंग। द लॉबी हैज़ 3 बिग शैंडलियर्स, एक जो है दैट इज़ वेरी कन्वेंशनल लुकिंग और बाकी दो जो हैं दे आर इन मॉडर्न लाइट्स। रॉयल स्विस की लॉबी के इंटीरियर की अगर हम बात कर लें तो इट हैज़ वेरी वार्म लाइट टू इट, और जैसे कि आप देख रहे हैं द वुडन फिनिशिंग टू द पिलर्स एंड टू द वॉल्स, ये एक बहुत मज़ेदार एक कोजी सी फील देती है। लेकिन उसके साथ इन्होंने लग्जरी एलिमेंट जो है उसको मिस नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू सी दिस गोल्डन पैनलिंग गोइंग ऑन एंड द नियॉन लाइट दैट इज़ सराउंडिंग दिस पैनलिंग, इट इज़ गिविंग अ वेरी लग्जूरियस फील। रॉयल स्विस की लॉबी में एंटर होते ही आपको एक गिफ्ट शॉप नज़र आती है लॉबी शॉप के नाम से। उसके अलावा 2 रेस्टोरेंट्स और एक कॉफ़ी शॉप भी विजिट करने को मिलती है। लॉबी में सिटिंग एरिया भी बहुत कंफर्टेबल, स्पेशियस और ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है। व्यूअर्स, रॉयल स्विस की लॉबी में आपको एक यहाँ पे नज़र आएगी लॉबी शॉप, जो कि गिफ्ट शॉप कह सकते हैं, सोवेनियर शॉप कह सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, द मेन रेस्टोरेंट विच इज़ कॉल्ड दस्तरख्वान, जहाँ हम डेफिनेटली आएंगे, वहाँ से हम डिनर या लंच देखेंगे कि क्या करना है। तो खैर, अब हम चलते हैं चेक इन की तरफ और मैं अब फ्रंट डेस्क ऑफिसर के सामने जाने लगा हूँ, रिसेप्शनिस्ट के पास जाने लगा हूँ और अब हम चेक इन करने जा रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर, वेलकम टू रॉयल स्विस। यस, हाउ कैन आई असिस्ट यू? बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि क्या क्या रूम्स की कैटेगरीज जो हैं वो रॉयल स्विस ऑफर करता है? वी हैव अ 5 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज अ कम्फर्ट, सेकेंड वन इज अ डिलक्स, थर्ड वन इज अ एग्जीक्यूटिव रूम, फोर्थ वन इज एग्जीक्यूटिव स्वीट एंड फिफ्थ प्रेजिडेंशियल स्वीट सर। ओके, तो मुझे आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेज हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस कैटेगरी? श्योर, वाई नॉट सर। जी, कम्फर्ट रूम एक नॉर्मल स्टैंडर्ड रूम होता है, बेड एंड ब्रेकफास्ट होता है, लेकिन जो होता है कि मिरर जो होते हैं वो ब्लूटूथ होते हैं इसके। ओके, और नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट आपका कम्प्लीमेंट्री होता है। इसके अलावा एज कम्पेयर टू द कम्फर्ट रूम टू डिलक्स रूम, डिलक्स रूम इज मच बिगर, स्पेशियस और ये जकूजी के साथ होता है। ओह, नाउ जकूजी गाइस।
And third one is executive room. Executive room is a much bigger and much spacious room as well. Jacuzzi, Bluetooth, जो ग्लासेस हैं, वॉशरूम मिरर्स हैं, वो ब्लूटूथ के साथ होते हैं. एंड जो हमारा एग्जीक्यूटिव स्वीट है, इज अ मच बिगर स्पेशियस सेपरेट सिटिंग एरिया होता है. अच्छा. उसके साथ कनेक्टिंग डोर के साथ बेडरूम होता है. राइट राइट. और जो लास्ट वन हमारा प्रेजिडेंशियल स्वीट है, इसमें एक बहुत बड़ा एक स्पेशियस सिटिंग एरिया होता है. इसके अलावा टू बेडरूम्स हैं इसके अंदर, सेपरेट किचन होता है, और राउंड अबाउट थ्री वॉशरूम्स हैं इसमें. ओके, सो आई थिंक आई वुड गो विद द डीलक्स रूम. Sure. क्योंकि वो ना बेस रूम है और ना वो ऑब्वियसली प्रेजिडेंशियल की तो मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं एक ही हूँ जिसने स्टे करना होगा, तो आई थिंक आई विल गो विद द डिलक्स रूम. श्योर, व्हाई नॉट सर. मे हैव योर आईडी प्लीज? या श्योर, देयर यू गो. थैंक यू. रूम इज अ स्मोकिंग और नॉन स्मोकिंग सर? आई वुड गो विद द नॉन स्मोकिंग वन. श्योर. ओके गाइस, सो दैट मींस के स्मोकिंग की ऑप्शन भी है आपको इस होटल में. ऑल राइट जी, थैंक यू. अच्छा, तो वाई फाई इज मेंशन्ड हियर, राइट? यस, वाई फाई मेंशन्ड, बिकॉज़ आई विल बी टेस्टिंग इट. या श्योर, थैंक यू. थैंक यू. What is this place, guys? Royal Swiss की एक नई dimension हमें देखने को मिल रही है. And now I get to know the link कि वो जो wooden paneling थी नीचे और wooden walls थी, उनको interior designer ने क्या किया है कि एक forest की feel दे के उन दोनों को आपस में complement किया. इसको specially उन rooms के लिए design किया गया है जिन rooms का window view indoors है, so that the visitor could enjoy the calmness of nature. अच्छा जी, हम फाइनली अपने कॉरिडोर में आ गए हैं जहाँ हमारा रूम है, और मैं आपको बताता चलूँ जो कॉरिडोर्स हैं उनकी फील मैं आपको बताता हूँ. जैसे कि ये आर्ट वर्क देख रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स जो हैं वो यहाँ पे लगी हुई हैं, एंड दिस इज़ रियल, इट इज़ ऑयल पेंट्स आई गेस. उसके अलावा अगेन क्विल्टिंग का इंटीरियर हमें नज़र आ रहा है, और ये वाली क्विल्टिंग इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी एक्सपीरियंस इन लक्सस ग्रैंड होटल. इसकी बिल्कुल एक डिफरेंट लुक है, एंड इट इज़ लुकिंग रियली नाइस. अब हम रूम की तरफ चलते हैं. दैट इज़ माय रूम, सो लेट्स गो. आई वेलकम यू ऑल टू माय रूम. व्यूअर्स, मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस, आई लाइक द रूम. सबसे पहले तो इसकी टोन्स की बात कर लेते हैं. द कलर टोन्स, दे आर वेरी वार्म, और ये बिल्कुल रेजोनेट कर रही हैं जो लॉबी की टोन्स थी, कलर टोन्स थी उनके साथ. उसके अलावा मैं जो इसका फर्नीचर देख रहा हूँ, ओवरऑल द फर्नीचर ऑफ द रूम, इट हैज़ अ मिक्स ऑफ विक्टोरियन लाइन्स एंड मॉडर्न लाइन्स. कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप ये देखें, ये दिस इज़ अ सोफ़ा, दीवान स्टाइल में ये सोफ़ा है, विक्टोरियन इसका डिज़ाइन है. और उसके साथ जो आप ये टेबल देख रहे हैं, दिस इज़ फ्रॉम मॉडर्न लाइंस, स्ट्रेट लाइंस. इसी तरह अगर हम इस स्टडी की तरफ आते हैं, तो स्टडी जो चेयर है, दिस इज़ अगेन मिनिमलिस्टिक लुक. जैसे कि आप देख रहे हैं, एक प्रॉपर मॉडर्न लाइंस वाले जो ऑफिसेज होते हैं, वो वाली चेयर्स हैं, और उसके साथ जो टेबल है, ये मॉडर्न लाइंस पर है. सो दिस कॉर्नर इज़ कम्प्लीटली ऑन मॉडर्न लाइंस. लेकिन ऑन दी अदर हैंड, जब आप इस तरह का एक पीस यहाँ पे पड़ा हुआ देखते हैं, तो एकदम से वो एक मुगल एरा की फील आपको देता है, या एकदम विक्टोरियन लाइंस की फील देता है. लेकिन उसके साथ ही जब आप ये वुडन पैनलिंग देखते हैं, तो ये एकदम से स्ट्रेट लाइंस की फील देती है. सो इट हैज़ दिस रूम हैज़ अ मिक्स ऑफ टू फ्लेवर्स. अनदर थिंग दैट यू गाइज आर गोइंग टू नोटिस इज द आर्ट ऑन द पेंटिंग. जैसे कि हमने कॉरिडोर में आते हुए भी देखा था, इधर भी एग्जैक्टली वही आर्ट है, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट. और मेरे सामने भी एक पेंटिंग है इस रूम में, उस पर भी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट हुआ है. तो ये बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लग रही है कि ओवरऑल लैंग्वेज ऑफ द आर्ट इज़ द सेम. नेक्स्ट अप इज़ द बेड, ऑब्वियसली जहाँ आपने बाकायदा अपने स्टे का आधा टाइम गुजारना होता है, वो होता है बेड. तो बेड का कम्फर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नाउ वी आर गोना टेस्ट इट लाइक वी ऑलवेज डू.
ओके सीन ओके है भाई, इस बेड के कंफर्ट लेवल जो है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है एंड इट सीम्स वेरी क्लीन। अगर हम देखें तो देर इज़ नो डस्ट, शुक्र है, क्योंकि बहुत बहुत बड़े होटल्स में अक्सर डस्ट जो है वो मिल जाती है, तो शुक्र है अभी तक कोई डस्ट नहीं है और ये हम हमेशा करते हैं, आपको पता है। मैंने अभी तक नहीं देखा, आप लोगों ने देखा है? नो डस्ट। बेड के साथ दो साइड टेबल्स हैं, हमेशा की तरह हर बेडरूम में ये होना चाहिए, यहाँ पे भी है। तो हम देखेंगे कि हमारी जो साइड टेबल है उसकी ड्रॉअर कितनी स्मूथ है, कितने आराम से वो खुल रही है, बंद हो रही है, क्योंकि ये भी अक्सर मुझे प्रॉब्लम देखने को मिलता है काफ़ी होटल्स में। सो लेट्स सी, नाइस, परफेक्ट। खींचते हुए जो है थोड़ी सी ताकत लग रही है, लेकिन प्रॉब्लम कोई नहीं है, इट्स वेरी स्मूथ, देर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट। और जब मैं बंद कर रहा हूँ तो वो बड़े आराम से खुद, आप देख रहे हैं कैसे बंद हो रही है, सो गुड स्टफ। कांट हेल्प इट, वो आर्टसी नज़र है एक, और ओसीडी वाले मसले भी हैं, तो हल्की सी कोई पेंटिंग अगर मुझे टेढ़ी नज़र आ जाए तो वो सीधी करना मेरा जो है ना फ़र्ज बन जाता है। सोफ़ा भी कंफर्टेबल है, इस सोफ़ा पे आराम से दो लोग तो आराम से आ सकते हैं, अगर कोई आपके साथ बच्चा है तो फिर तीन लोग भी आ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे सिटिंग में एक चेयर है, स्टडी चेयर, जो आप यूज़ कर सकते हैं। मीटिंग्स एज सच इस रूम में ऑब्वियसली आप कंडक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा द रूम इज़ वेरी स्पेशियस। स्टडी के ऊपर जी एक बुक पड़ी हुई है और उस बुक के अंदर कंप्लीट गाइडलाइन है होटल की, जो आप सर्विसेज आप अवेल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, और उसके अलावा आपको होटल की कंप्लीट गाइडलाइन जो है वो इस बुकलेट में मिल जाती है। नाइस। एक बहुत डिफरेंट चीज़ जो मुझे स्टडी टेबल पे नज़र आ रही है ना, वो ये लाइट के पीछे जो शीशा है वो, द मिरर इफेक्ट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, इट इज़ गिविंग अ वेरी इंटरेस्टिंग वाइब टू द होल रूम, इससे रूम और ज़्यादा स्पेशियस लग रहा है, दिस इज़ डिफरेंट। एक और चीज़ जो मुझे इस रूम में डिफरेंट लगी है बाकी होटल्स से, वो है ये रिमोट कवर, हाउ कूल इज़ दैट, टेलीविजन का रिमोट है जी, वेरी इंटरेस्टिंग। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने नो स्मोकिंग रूम लिया था, तो जैसे आप सीलिंग पे देख सकते हैं स्मोक डिटेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है, तो अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे फायर की सिचुएशन बन जाती है या बहुत ज़्यादा स्मोक हो जाती है, तो इस रूम में खाली अलार्म नहीं बजेगा बल्कि यहाँ पे वाटर स्प्रिंकल होगा थ्रू दैट डिवाइस। उसके अलावा अगर हम सीलिंग को देखें तो हमें किबला डायरेक्शन भी देखने को मिलेगी, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। रूम अमेनिटीज़ में आपको मिलती हैं 4 वाटर बॉटल्स, इंस्टेंट कॉफ़ी एंड टी, अलॉन्ग विद द सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक केटल एंड अ मिनी फ्रिज। इट्स टाइम फॉर रूम सर्विस चेक। एज यूजुअल आई ऑर्डर्ड कैपुचिनो एंड इन 13 मिनट्स मुझे मेरी कॉफ़ी मिल गई, परफेक्ट। वार्डरोब की बात कर लें जी अगर हम, तो हमें इस रूम में क्या क्या मिलता है, हमें एक डिजिटल लॉकर मिलता है, ऑब्वियसली ये तो मैं डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहा था, उसके अलावा हमें जानमाज मिलती है, और ये कुछ बहुत ही डिफरेंट सी एक चीज़ मुझे देखने को मिल रही है जो मैंने पहले कभी भी नहीं देखी, विच इज़ फायर एस्केप मास्क, दिस इज़ अ न्यू वन, वेरी इंटरेस्टिंग जी, प्रायोरिटी का पता चल रहा है इस होटल की, सेफ्टी जो है वो डेफिनेटली हमें अभी तक इस होटल में बड़ी प्रायोरिटी पे नज़र आ रही है। उसके अलावा अगर हम नीचे आ जाएं तो हमें जी यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर भी नज़र आता है, अगेन सेफ्टी
जो है वो इस होटल की प्रायोरिटी है, वेरी गुड। और हमें उसके साथ यहाँ पे एक शू शाइनर मिल रहा है और हमें दो पेयर मिल रहे हैं स्लिपर्स के। वार्डरोब की अगर हम दूसरी साइड देखें तो उसमें हमें मिलता है एक बाथरोब और उसके अलावा हमें मिलता है एक आयरन स्टैंड। जनरली लॉन्ड्री जो है वो हर होटल में आपको उसकी सर्विस मिलती है, लेकिन ऑन अ पर्सनल लेवल आयरन स्टैंड जो होते हैं ना वो एक ज़बरदस्त यूटिलिटी होती है, क्योंकि आपको किसी का मोहताज नहीं होना पड़ता। अगर आपको एक छोटी सी चीज़ भी प्रेस करनी है, आयरन करनी है, तो उसके लिए आपको स्पेशली लॉन्ड्री को बुला के उनको चीज़ दे के फिर वो लाते हैं। और उसके अलावा समटाइम्स कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं जिस पे आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे होते, तो आप क्या करते हो कि अपना आयरन स्टैंड खोलते हो और दो चार मिनट में अपनी जो भी आपने आइटम आयरन करनी होती है वो कर लेते हो। सो इट इज़ अ वेरी वेरी यूज़फुल यूटिलिटी और आई एम ग्लैड कि इस होटल में आपको ये यहाँ पे मिलती है। इस रूम के वॉशरूम की बारे में बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले इसके कलर्स को देख लेते हैं। द कलर्स आर बिटवीन ब्लूज, लाइट ब्लूज, ग्रेज एंड लाइट ग्रे। द कलर कंट्रास्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। उसके अलावा जो हमारी वैनिटी है इट इज़ मेड ऑफ सेरेमिक। उसके अलावा जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ना इस रूम में, दैट इज़ द मिरर। द मिरर इज़ अ ब्लूटूथ मिरर और ये यहाँ से आप इसको जब बंद करेंगे तो इसकी लाइट बंद हो जाएगी, जब आप इसको यहाँ से ऑन करेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी, आपकी फेस लाइट। उसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस ब्लूटूथ के ज़रिए आप जो हैं वॉशरूम में गाने सुन सकते हैं, विच इज़ वेरी कूल। व्यूअर्स, इस रूम में एक वार्डरोब मिरर भी मौजूद है जो कि फुल हाइटेड मिरर है जिसमें आपको अपनी कंप्लीट ए टू जी लुक नज़र आ जाती है। गाइस, नाउ आई एम हंग्री, आई एम गोना ईट समथिंग और हाईटी का टाइम भी हो गया, तो रॉयल स्विस की हाईटी ट्राई करते हैं, लेट्स गो। रॉयल स्विस का वन ऑफ द मेन रेस्टोरेंट्स इज दस्तरखान, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। ये वो रेस्टोरेंट है जहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्यूजीन जो है वो ऑफ़र होती है और हाईटी भी यहीं पे ऑफ़र हो रही है, तो चलते हैं और हाईटी चेक करते हैं कैसी। रॉयल स्विस की हाई टी इज़ टोटली वर्थ इट। एक तो वैरायटी बहुत वास्ट है और क्वालिटी ऑफ द फूड इज एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट। दस्तरखान में प्रेजेंटेशन को तो मैं रेट करूंगा 10 out of 10, लव्ड द एक्सपीरियंस। रॉयल स्विस में अरिगाटो रेस्टोरेंट एशियन क्यूजीन ऑफर करता है। इधर एक कैफ़े भी है स्विस कैफ़े के नाम से, जहां आपको फास्ट फूड, यूरोपियन और कॉन्टिनेंटल क्यूजीन्स के साथ साथ डिज़र्ट्स की वास्ट रेंज टेस्ट करने को मिलती है। Moods Cafe is a cigar lounge. It's heaven for the smokers.
रॉयल स्विस के फर्स्ट फ्लोर पर आपको वेटिंग एरिया में रिक्लाइनर्स भी बैठने को मिलते हैं। वेरी कूल। रॉयल स्विस की लोकेशन बहुत आइडियल है और नियर बाय अट्रैक्शंस में टूरिस्ट्स के लिए बहुत सी इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशंस हैं टू विजिट। इस बार सोचा कि वाईफाई को लॉबी में टेस्ट करूं। इट्स फास्ट, वेरी फास्ट इंडीड। व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूं रॉयल स्विस के थर्ड फ्लोर पे, जहां पे आपको तमाम वो सर्विसेज मिलती हैं जो कि रिलेटेड हैं वेलनेस से, अंडर द नेम ऑफ इंस्पिरेशंस। तो चलते हैं और इनके रिप्रेजेंटेटिव से इंफॉर्मेशन लेते हैं इस सर्विस के बारे में। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, आप कैसे? जी से बोल रहा। गुड। अच्छा, मुझे आप बता सकते हैं इंस्पिरेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए? जी जी सर, बिल्कुल। आप व्हाट यू वांट टू नो, लाइक आपको डिटेल्स चाहिए, यू वांट टू टेक एन अपॉइंटमेंट रिगार्डिंग, सिंस इंस्पिरेशन इज बेस्ड ऑन लाइक जिमिंग फैसिलिटी है, वी हैव अ सैलून फैसिलिटी, वी हैव मेडिटेशन एरिया भी है विच इज़ द स्पा जोन। Right. So if you want me to, I can show you around, I can give you a tour. Definitely it would be great. Sure, please. Chalein ji guys, let's have a tour inspiration ka aur check karte hain ki kya kya facilities jo hain wo hame milti hain. So let's please go. Please. Welcome to Inspiration. Wow, I just love the interior design of this place. Very calming, very soothing. Thank you for that, sir. Keeping that thing in mind, we usually, you know, meditation is the first priority. Yeah. We want our guests to be, you know, facilitated with the calm environment. We want to provide them with the soothing effect and all that. Apart that, we have many of the other facilities, like you can come and you can see. I can show you around. Yeah. So from where you want to visit or you want to go? मुझे बता दें क्या क्या facilities. How about the executive gym? Gym, I would love. Yeah, आप लोग तो पता है, I love gym. So let's check it out. This is our executive gym, where we have a huge setup, keeping in mind that men, female, both can avail the facility very here nice, at the same very time. Impressive. तो मुझे ये बताएं कि यहाँ आपकी टाइमिंग्स क्या हैं? सर, टाइमिंग्स इट ऑल डिपेंड्स, लाइक इफ समबडी वांट्स टू कम इंडिविजुअली एंड दे वांट टू गेट फैसिलिटेटेड बाय द जिम फैसिलिटी, दे कैन कम ओवर लाइक अर्ली इन द मॉर्निंग एज वेल, 6 AM टिल लाइक क्लोजिंग टाइम इज 9 PM. And okay. But the last slot when you can come and you can hit the gym, it's like 8 in the evening, you can say. Okay. And if somebody wants to avail the personal training, then we have different time slots for that. Okay, so basically what you're trying to tell me is ke yahan pe aap zaruri nahi hai ke you have to check in the hotel, you can also avail a separate membership? Yeah, separate membership. Oh wow guys, so is hotel mein jab aap aayenge तो आप एक तो एज अ गेस्ट आप ये फैसिलिटी इंजॉय कर सकते हैं, उसके अलावा अगर आप यहाँ पे स्टे नहीं भी कर रहे तो आप ये वैसे भी फैसिलिटी जो है थ्रू मेंबरशिप इसको इंजॉय कर सकते हैं। सो इट्स ओपन 7 days a week? Yes, it's open for 7 days a week. हाँ, ठीक है। और आपको पर्सनल ट्रेनर्स जो हैं वो यहाँ पे, उनकी क्या टाइमिंग्स होती है? इट ऑल डिपेंड्स, ही यूजुअली कम्स अराउंड इन द मिड टाइमिंग लाइक 12 टिल ऑनवर्ड्स, एंड इट डिपेंड्स ऑन दैट हाउ द मेंबरशिप इज अलाइंड, हाउ हिज मेंबर्स आर कमिंग, व्हाट इज दैट टाइम स्लॉट फॉर देम, सो इट्स ऑल प्लान्ड अकॉर्डिंग टू दैट। Wonderful जी, इसके अलावा क्या फैसिलिटीज हैं? सर, इसके अलावा we have a salon facility, we have meditation zone that I can show you around. We, once we'll go there, then I'll let you know what type of facilities we are providing. Cool. So let's please go. Sir, moving on here, this is our salon area. Right. Okay. Apart from the basic, you know, like haircut, beard trimmings, we have facials, manicure, pedicure. रॉयल स्विस का स्विमिंग पूल इज अ सोनाटा शेप्ड स्विमिंग पूल। इस पूल की डेप्थ है 5.5 feet एंड इट ऑफर्स अ जकूजी ऑन द साइड। पूल को देखने के बाद मुझसे बारिश में भी रहा ना गया। द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज वेरी कंफर्टेबल, आई एम लविंग इट।
Royal Swiss offers 5 banquet halls, each holding a capacity of 250 people, जो जरूरत पड़ने पर आपस में interconnectable हैं। उसके अलावा इस होटल में 3 boardrooms भी available हैं। व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ परवाज रेस्टोरेंट रूफटॉप पर, जो कि रॉयल स्विस की रूफटॉप है। और आपको बताता चलूँ कि मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल गज़ीबो, और उसके पीछे जो आप देख रहे हैं वो लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे है। जी हाँ, तो यहाँ पे इसकी रूफटॉप पे जब आप बैठ के खाना खाते हैं तो व्यू इतना मज़ेदार होता है। और ये रेस्टोरेंट जो है ये सिर्फ रात को ओपन होता है, और लकीली आज गर्मियों में लाहौर में जो मौसम था वो बड़ा अच्छा मुझे मिल गया मेरे स्टे में। तो मैं खैर आपको दिखाता हूँ व्यूज़, तो यहाँ से हमें आएंगे, लेट्स कम विद मी। तो ये है जी इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और वो सामने आप देख रहे हैं जहाज़ हमें नज़र आ रहे हैं, और यहाँ से वो लैंड करते हैं और इस रनवे से वहाँ की तरफ वो टेक ऑफ करते हैं। बड़ा मज़ेदार व्यू है, ये व्यू आपको कहीं नहीं मिलता। व्यूअर्स, माई फूड इज़ फाइनली हेयर, और आपको बताता चलूँ कि परवाज जो रेस्टोरेंट है इसमें आपको देसी क्यूजींस, पाकिस्तानी क्यूजींस ऑर्डर करने को मिलती हैं। और मैंने ऑर्डर किया है इनका स्पेशल बारबेक्यू प्लेटर, और मैं इसको ट्राई करूँगा। आई लेट यू नो हाउ इट टेस्ट। वैसे एक बात है, रॉयल स्विस का खाना जो है ना वो लाजवाब। मैंने हाई टी भी की थी, उसके अलावा मैंने यहाँ पे कॉफ़ी भी ट्राई की इनकी, और अब मैं बारबेक्यू ट्राई कर रहा हूँ। इट्स वेरी गुड, ट्रस्ट मी, ज़बरदस्त। मैं नान भी अब ट्राई करूँगा इनका, बारबेक्यू के साथ मिंट रायता और नान, ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर कॉम्बिनेशन जो है वो बिल्कुल बेकार होता है। सो आई एम गोना ट्राई द नान, इट्स वेरी वार्म, वेरी सॉफ्ट, वेरी फ्रेश। रॉयल स्विस हैज़ बीन वेरी इम्प्रेसिव अप टिल नाउ, और अब मैं ऑब्वियसली सोऊंगा, रात हो गई है। आई एम गोना हैव अ गुड स्लीप हियर, आई एम होपिंग के बड़ी कंफर्टेबल जो है मेरी नींद रहे। तो खैर, एनीवे, आई सी यू टुमारो, बाय। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, रॉयल स्विस के रूम में मेरी रात बहुत कंफर्टेबल रही, देयर वाज नो साउंड, नो नॉइज इन द रूम। तो खैर, अब हम चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, और आपको तो पता ही है कि होटल्स का ब्रेकफास्ट जो है वो कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं कि रॉयल स्विस हमें क्या ऑफर करता है ब्रेकफास्ट में, लेट्स गो। So I'm gonna start with my breakfast. Baked beans हैं यहाँ पे, one of my favorites. इनसे आज शुरू करेंगे। Breakfast की बहुत vast range है, as expected. Chicken sausages हैं, ये मैं अभी नहीं खाना चाह रहा। Boiled eggs हैं, आज boiled eggs मेरा ख्याल खाए जाएँ। Boiled eggs जो हैं वो salt flooring के साथ हैं, which is very interesting. Then we have French toast, बड़े मज़ेदार लग रहे हैं। आई एम गोना ट्राई दिस वन टू। व्यूअर्स, अगर आप रॉयल स्विस आते हैं तो डू ट्राई देयर फ्रेंच टोस्ट,
इट इज़ सो गुड कि मेरे पास अल्फाज नहीं है बताने के लिए हाउ गुड इट इज़। Viewers, I had a perfect time at Royal Swiss. अगर आप facilities की बात कर लें तो इस hotel में आपको almost सारी वो facilities मिलेंगी जो आपको एक hotel में चाहिए होती हैं। उसके अलावा cleanliness की अगर बात कर लें तो वो भी बहुत on point है। इस hotel में आपको luxury के साथ साथ comfort भी मिलता है और वो भी at reasonable prices। और जैसे कि आपको पता है कि हम एंड पे हर होटल को रेट करते हैं तो हम इसको भी रेट करेंगे और ऑलरेडी मैं बताऊं तो आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड सो द रेटिंग्स वुड बी प्रीटी हाई। रॉयल स्विस के ओवरऑल एक्सपीरियंस को मैं रेट करता हूं 5 out of 7। फ्रंट डेस्क रिसेप्शन 5, होटल क्लेनलीनेस 6, फ्री वाईफाई 7, क्लेनलीनेस ऑफ रूम 6, ब्रेकफास्ट क्वालिटी 7, Restaurant quality 7, staff 6, facilities 6, comfort 6, location 6, value for money 7. Royal Swiss की overall rating रही 6 stars. Really enjoyed my stay.